और बीजेपी के बाद कांग्रेस में भी भगदड़ की स्थिति है। नॉमिनेशन के अंतिम दिन कांग्रेस में कई बागी सुर सुनाई पड़े हैं। निर्दलीय लड़ेंगी कांग्रेस नेता उपेंद्र कौर अहलूवालिया। नलवा में कांग्रेस नेता संपत सिंह ने भी दिखाए बागी तेवर। तिगांव से निर्दलीय नामांकन करेंगे पूर्व एमएलए ललित नागर। तो टिकट ना मिलने की टीस, आप देख रहे हैं किस तरीके से नेता बागी इन दिनों हो रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, हर जगह से यह खबर एक जैसी आती है। कांग्रेस में भी भगदड़ की स्थिति है। नॉमिनेशन के अंतिम दिन कई सुर सुनाई पड़े जो बिल्कुल बाकी थे। निर्दलीय लड़ने का फैसला कर लिया है उपेंद्र कौर अहलूवालिया ने। इसके अलावा नलवा में कांग्रेस नेता संपत सिंह ने भी बाकी तेवर दिखाए, जबकि तिगांव की बात की जाए तो निर्दलीय नामांकन करेंगे पूर्व एमएलए ललित नागर, यह बात भी साफ हो चुकी है। इंडियन नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी तीनों मिलकर 111 111 है और ये सरकार की तरफ लड़ रहे हैं और आपकी सिरसा की सरकार होगी और हरियाणा की, और वो बहुत अभूतपूर्व विकास होंगे। आइए सीधे मैं आपको एक बार फिर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लिए चलता हूं अपने सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, आपके पास कुछ अपडेट है क्या बीजेपी खेमे से? नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी खेमे से बस यही अपडेट है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल हरियाणा को लेकर डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। बहुत सारे ऐसे नेता जो जिन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन भी अप्लाई कर दिया है, भर दिया है, उसको भी उनके नामांकन को वापस लेने की प्रक्रिया में भी भाजपा जुट गई है। भाजपा ने आरएसएस के सीनियर लोगों को भी इस विषय में लगाया है। भाजपा की का प्रयास है कि इस चुनाव में बहुत मजबूती से साथ ना सिर्फ लड़ा जाए बल्कि अपने जो बागी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाया जा सके, तो यही सबसे बड़ा अपडेट है। अखिलेश, ठीक है नीरज, आपके पास तो हम आएंगे लेकिन अब जैनेंद्र के पास चल लेते हैं, क्योंकि पिछली खबर जो मैंने दर्शकों तक पहुंचाई थी, जैनेंद्र दरअसल सवाल आपसे ही है कि जो बागी सुर ये सुनाई पड़ रहे हैं, दो तीन नाम का भी जिक्र किया गया जिसमें उपेंद्र कौर अहलूवालिया का नाम सामने आया, संपत सिंह का नाम सामने आया है, ललित नागर की बात हो रही है, ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है कांग्रेस के लिए? निश्चित तौर पर अखिलेश, चुनौती इन तमाम सीटों पर कांग्रेस के लिए बढ़ेगी और यही वजह है कि कांग्रेस ने आखिरी समय तक आधी से ज्यादा सीटों को होल्ड किया। 49 सीटों का ऐलान जो है वो बीते 24 घंटे में हुआ है। आधी रात को जाकर के तकरीबन 40 उम्मीदवारों की सूची आई बड़ी, जिसका इंतजार था। इसके बाद रात के 2 बजे कुछ उम्मीदवारों का ऐलान किया, तकरीबन 5, और फिर आज दिन में 2 लिस्ट आई है, 2 और 1 उम्मीदवारों की। तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आखिरी वक्त तक बगावत को रोका जाए और ये वजह है कि सीटों का ऐलान बहुत देर से किया, लेकिन फिर कुछ सीटों पर बागी उम्मीदवार उतरे हैं। और सबसे दिलचस्प किस्सा है अंबाला का। अंबाला सिटी से कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह को उम्मीदवार बनाया है और ठीक बगल की सीट अंबाला कैंट से उनकी बेटी चित्रा सरवरा टिकट मांग रही थी, उन्हें टिकट नहीं मिला, तो चित्रा सरवरा बागी उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हो गई है। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। तो एक सीट पर पिता आधिकारिक उम्मीदवार है कांग्रेस के और बगल की सीट पर बेटी बगावत करके चुनाव लड़ रही है। तो तकरीबन इस तरीके के आधा दर्जन मामले हैं जहां पर कांग्रेस को बागियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अभी भी नाम वापसी तक गुंजाइश रहती है। मान मनोबल की देखना यही है कि कांग्रेस किस हद तक अपने बागियों को मना पाती है, वरना जाहिर सी बात है कि एक अच्छे माहौल के बावजूद कांग्रेस को जहां एक तरफ जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों का से पार्टियों के बीच एंटी इनकमेंसी के वोट को कटने से बचाना है, वहीं जहां पे बागी खड़े हैं वहां तो सीधी चुनौती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।